हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद आशीष। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ यूपी बोर्ड की कविता है द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं, राइटर इन्होंने लिखा हुआ है जेम्स रसेल लॉवेल 1819-1891। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पोयम को। अबाउट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल 1819-1891, जो इनकी लाइफ थी वो 1819 से लेकर 1891 के बीच में रही, वॉज अ फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल में ये फेमस थे अच्छे राइटर के रूप में। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ, इन्होंने पोयम लिखा था अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोयम्स, और भी बहुत सारे पोयम इन्होंने लिखा। हिज अर्ली पोट्री इज फुल ऑफ नेचर, जो इन्होंने स्टार्ट में पोट्री लिखा था वो पूरी प्रकृति के बारे में थी, प्रकृति इन इमोशंस। यहाँ पर प्रकृति और इमोशंस का मतलब हो जाएगा आदमी कितना जुड़ा हुआ है प्रकृति से, और जो उसकी फीलिंग है प्रकृति के प्रति वो एक सद्भाव के रूप में है। अगर अपनी वो बातें कहता है नेचर से, तो यहाँ पर वही इमोशन इन्होंने पैदा किया हर अपनी पोट्री की लाइन में। बट अदर पोयम आर फुल ऑफ पैट्रिसम, मतलब कि बाकी जो पोयम इन्होंने लिखा था वो सिर्फ एक देशभक्ति और एक अपने अंदर के भाव को व्यक्त करता है। एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि ये लोगों के, डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा कि प्रजातंत्र, और जहाँ पर लोगों की बात होती हो। ही इज़ मोर नोन एज ए सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक, तो यहाँ पर जब राइटर ने कहा क्रिटिक की, तो आप सिंपल समझ जाइए उन्होंने दूसरों को भी क्रिटिसाइज किया, मतलब कि उनकी थोड़ी सी खिंचाई की, उनके बारे में बताया कि क्या वर्ड सही होगा क्या गलत होगा। एज अ लेक्चर ऑन इंग्लिश पोट्री, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं उनकी इंग्लिश की राइटिंग की, तो इंग्लिश पोट्री बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसको सही तरीके से पेश करने में जेम्स रसेल लॉवेल बहुत ही माने जाते थे। अब यहाँ पर हम समझने जा रहे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या कहता है थीम पूरे लेसन को, और किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है पूरे पोएम को, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हमें याद रखना है, हमेशा जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखने जाएं, तो आपके दिमाग में राइटर का नाम और उन्होंने पोट्री का जो स्टार्ट लाइन होता है उसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके उस टॉपिक को टच करता है कि अगर आपने स्टार्ट की लाइन में द फाउंटेन के बारे में नहीं लिखा, तब आप समझ जाइए कि आपने डायरेक्ट आपको सेंटेंस कहीं स्टार्ट नहीं करना है। जब भी आप लिखने जाएं, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है बोर्ड का, या तो इन्होंने तैयारी करना है, तो उनको द फाउंटेन की जो हेडिंग होती है ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। द सेंट्रल आइडिया इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम, तो पहली लाइन आपकी कहती है द फाउंटेन की इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब कि पोएट ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? पहला आपका है सनशाइन। सनशाइन का मतलब हो जाएगा सन, सूर्य हो जाएगा, साइन मतलब चमकना, सूर्य की तरह चमकने की। इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड क्लैरिटिंग इन द मून लाइट इज अपीयर स्नोई, तो जो भी वर्ड आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, लीपिंग का मतलब हो जाएगा उछलते हुए, क्लैटरिंग का मतलब हो जाएगा शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से, मून लाइट इज अपीयर स्नोवी, तो जो सूर्य की रोशनी होगी वो भी सफ़ेद है, लेकिन यहाँ पर जो मून की लाइट की बात रही है वो किसकी तरह होगी, सफ़ेद बर्फ की तरह। वाइट एंड स्वेस रिजेमली लाइक फ्लावर्स वेन द विंड रसिस, मतलब जब हवा एक फ्लो में रिदम के साथ चल रही होगी, तो जो एक साइन बनेगा फ्लावर वेन द विंड रसिस, मतलब कि एक अलग ही नज़ारा होगा अंडर द स्टार लाइट। ये बात हो रही है
फाउंटेन की। जब फाउंटेन जब मून लाइट में होता है, उसकी जो चमक होती है और जो जो दिन के प्रकाश में चमक होती है, वही यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट राइज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, मतलब कि एक बार तो बहुत ऊपर जाता है, फिर एकाएक वो नीचे आ जाता है। स्प्रे मतलब कि अगर आप कोई चीज़ स्प्रे करते हैं तो देखते हो, अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो जो उसका फ्लो होगा वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड वर्ड चूज़ किया है पोएट ने, वो बता रहा है कि वो एक स्प्रे की तरह पानी ऊपर गया और एक एक बार नीचे आ गया। ऑल द टाइम इज चीयरफुल एंड लिवली। तो चीयरफुल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप चीयरफुल का मतलब करेंगे तो चीयर का मतलब कि किसी चीज़ के बारे में वो उत्साहित है, एंड लिवली और ये लगातार होता रहा। ऑल द टाइम इट सीम टू बी इंस्पायरिंग हायर, हमेशा वो बार बार कहता है, वो ऊंचाई की बात करता है। हर एक वर्ड के आगे वो बस इतना साबित करता है कि जा तो ऊपर ही रहा है। एंड हायर द पोएट विशेष टू लर्न दिस क्वालिटीज। आपको यहाँ पर समझना है कि बस उस चीज़ को लर्न करना है। दिस क्वालिटीज फॉर फ्रेशनेस, मतलब आप उसकी ऊंचाइयों को समझिए। चेंज एंड फिटनेस, और उसकी हर एक निरंतर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का ही मतलब हो जाए कि आप उसकी हर एक रूप को पहचानिए। एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, मतलब हमें फाउंटेन से उसकी पॉजिटिविटी सीखनी है कि कैसे वो हर बार सिर्फ हमें ऊपर जाने की बात कहता है। तो इस पूरे सेंट्रल आइडिया में अभी तक जो भी हमने पढ़ा, उसमें जेम्स रसेल लॉवेट ने आपको बस इतना ही मैसेज दिया है कि आप उसकी ऊंचाइयाँ समझिए और जो उसकी चमक है वो हमेशा बरकरार रहती है सूर्य की रोशनी में। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है सेंट्रल आइडिया में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर कोई सेक्शन छूटा है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में हम सिर्फ पोइट और सेंट्रल आइडिया और इस पोट्री का मतलब क्या वो हमने समझ लिया है। यहाँ पर मैंने एक एक रिकमेंडेशन के लिए सेंट्रल आइडिया लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई जानकारी या कुछ लगता है कि आपको बताना है या पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि द फाउंटेन की जितने भी सेक्शन है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।